अच्छा वाला कोई ले नहीं जाएगा पीछे चलते हैं। अरे सर तो आगे सर सर अरे भाई सर मान सर मतलब सारा जो घाट है अभी चाहे तो पैदल घूम सकता है यहाँ से लेकर वहाँ तक। हाँ, पैदल घूमने में टाइम लगेगा, थकेंगे, पर विश्वनाथ तक का घाट जो है। हाँ, विश्वनाथ घाट तक आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब ज़्यादा वहाँ तक जाने आने में तो आपको 3-4 किलोमीटर पड़ ही जाएगा। 3 किलोमीटर का आसपास? नहीं, 7 किलोमीटर है पूरा यहाँ से वहाँ तक घाट कर दिया। सही है। बादल दूध जो देखते आना है, आओगे? चलो फिर एंजॉय करो। ये सब दूध दूध जो है सुबह गोदुलिया पर बेचते हैं ना। अच्छा, वही साफ करा देते हैं। तो वो सब खाली करके आते हैं तो यही नहाते हैं। ऊपर में अखाड़ा है, उसी अखाड़े में जाके थोड़ा सा कसरत कसरत। अच्छा, ऊपर में अखाड़ा है, देखें जिम की तरह। कौन लड़ता था वहाँ अखाड़ा? ये महंत जी के जो है तो परिवार में अमरनाथ जी रहे, वही करवाते रहे। अच्छा। हाँ, कोई पहलवान आया तो कोई जो है तो क्या नाम की लड़ने वाला उससे नहीं था, तो यही अखाड़े का महंत जी जो है हनुमान जी के आगे खूंटी पर नगोटा गाड़ दिए कि देखिए इज्जत बनारस की हमारी आपके हाथ में है। जिस दिन नगोटा वो गिरा है खूंटी से, उसी दिन वो पहिर करके उसको जो तो लड़े हैं और परास्त किए हैं। सीता जी आप आई थी क्या कभी? नहीं, सीता जी नहीं आई थी। सीता जी एक सीता के नाम से सुरसर की रानी की नाम थी। सीता जी तो वो वही थी मिथिलांचल। अब देखिए ये आश्रम है। अच्छा, आनंदमय बंगाल की रहने वाली थी, ढाका की। और उसी समय मतलब यहाँ बनारस में आई, प्रथम ये बना हुआ है पहला आश्रम ये। महाराजा महाराजा केस छात्री नरेश यहाँ जो है ऑरेंज जब चढ़ाई किया था उनके ऊपर, उधर से लोग घेर लिए। अब इधर से कहीं उनको भागने का मौका नहीं मिला,
तो बगल वाली खिड़की से देखिए, वो खिड़की ऊपर की लोग बताते हैं, इधर साइड वाली जो यहाँ से घोड़े पर से बैठ करके कूदे हैं गंगा जी में, और घोड़ा तैर कर लेकर के उनको उस पार गया। अच्छा, उस पार से फिर और कहीं भगे होंगे इधर उधर भाई छिपछिपा कर। उन्हीं का तो वो किला भी तो, हाँ उन्हीं का वो, इसके बाद का वो किला है। अच्छा, हाँ इसके बाद का वो किला है। यही पर उनका हरिश्चंद का जो है सत्य की ही परीक्षा थी। तारामती को ब्राह्मण के घर भेज दिए, आगे डोम के घर बिक गए। डोम के घर जब बिक गए तो यही जो है रहने लगे। कुछ दिन बाद हुआ कि रोहित को सांप काट गया बगीचे में, मर गया। तारामती रोने लगी, लेकर के आई घाट पर, तो कहा कि स्वामी क्या हम स्वामी हो मैं नहीं जानते, हमको यहाँ कर चाहिए। कहे आपका बच्चा है और आप जो हैं तो क्या नाम की कर लेंगे। कहे हम तो नौकर हैं, हमारा बच्चा का सब कुछ तो दे दिए सबको, बचा ही क्या है हमारे पास। हम दूसरे का नौकरी कर रहे हैं, उसका भैया गुलामी कर रहे हैं, तो गुलामी जो बताया है उसको देना पड़ेगा। तब तारामती हार गुन के अपनी साड़ी का जो है ऐसे आंचल जब फाड़ने लगी है, तब ऊपर से आवाज़ आया कि रुक जाओ। फिर तो वो विमान लेके आए विष्णु जी, और विमान पर बैठाए और लेकर के चले गए। लेकर के चले गए, उसमें डुमोर चला गया। क्या देखा डुम्मा, कह रही का बात हो इतना बढ़िया विमान सुंदर, और ये कहाँ जात हुआ, कौन आदमी हो। तब उसको बाद में पता लगा कि ये राजा हरिश्चंद्र हैं। जब वो बाबा का पकड़ करके रथ का लटका चला गया, बहुत समझे ना, जिंदा वो भी स्वर्ग में गया है। डोम कालू डोम जिंदा स्वर्ग में गया। तो जिसकी भाग्य जिसका लीला परमात्मा का है, जिसको उबारता है वो अपने तहे दिल से उबारता है उसको। क्या समझे, कसौटी बहुत है लेकिन भटको मत, और लगे हैं लक्ष्य में अपने तो होगा, अवश्य होगा। देर है पर देर है। Thank you.
लाल किले से ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो मस्जिद है ना, मस्जिद लाल रंग मस्जिद नहीं था, ये माधव दास ने बनवाया था। अरे कुछ हिंदुओं ने गलती किया, ये मुसलमान के नाम बप कर दिया। अच्छा समझे। और ये बहुत बड़ा ऊंचा मीनार था, यहाँ चढ़ जाए और रात के दूरबीन के शाम को टाइम दूरबीन से देखेंगे तो दिल्ली का कुतुब मीनार का चिराग यहाँ से, यहाँ दिल्ली की जो लाल बत्ती होती है किले पर की वो यहाँ से दिखती। तब का है वो, तब का वो गिर गया रात्रि में, गिरा गिरा इधर नदी में गिरा है। हाँ रात्रि में टाइम में, भोर के टाइम में गिरा है। जब गिरा है वहाँ से तो यहाँ लहर जो है तो पूरे दरिया में फैल गया। ये मंदिर कैसे पानी में डूबा हुआ है? हाँ इसका भी इतिहास है। एक बुढ़िया औरत के दो बेटे थे और काफ़ी धनी थी, समझ गए ना, काफ़ी धनी थी। उसने जो है तो दोनों लड़कों का दोनों संपत्ति बांट के बराबर बराबर और कुछ पैसा रखी थी। तो उसने कहा कि देखो ये पैसा जो हम रख रहे हैं हमारे जाने के बाद और काशी में जाके मंदिर बनवा देना, समझे ना। कुछ दिन के बाद भी मर गई, काम क्रिया उसका किया लड़के ने तब कर धर के। अब उसने जो है फिर काशी में मंदिर वंदिर बनवाना फिर दिव्य स्थान शंकर जी का मूर्ति उसमें स्थापित भया। और उसी दम सोचे कि चलो आज मंदिर बन गया, अब जो है तो कहना कि हम लोग माँ के दूध से उत्तीर्ण हो गए। हाँ अब हम लोग माँ के कर्जदार नहीं हैं। बस कहते हैं कि लोग के यहाँ से काशी करवट हो गया, गंगा जी यहाँ से घूम गई पूरब। क्यों? ये धनुषाकार है, धनुषाकार यहाँ से 80 घाट से आप रामनगर सुधर से लीजिए यहाँ से ये ब्रिज के पास तक तो धनुष के आकार का बना हुआ हो गया है। अभी 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 बाबा जी आपको बताए ना वो बुढ़िया दादी की और उनके बेटे की कहानी कि आप कुछ भी कर घने लेकिन माँ के दूध के कर्ज से आप उत्तीर्ण कभी जिंदगी में नहीं हो सकते हैं। कबहु कागा बोले ना, कबहु बोले सुगना, कबहु कागा बोले ना, कबहु बोले सुगना। हमरे घरवा के अटरिया जब बाजे कंगना, कबहु कागा बोले ना, कबहु बोले सुगना, कबहु कागा बोले ना, कबहु बोले सुगना। हमरे घरवा के अटरिया जब बाजे कंगना, घरवा के अटरिया जब
बनारस तो महादेवी है। हाँ बनारस पूरे महादेव है। बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। मायन पूर्णा भैरव भाबा रहा ना कोई बाकी है। बम बम बोल रहा है, बोल रहा है काशी। अरे मायन पूर्णा भैरव बाबा, अरे मायन पूर्णा भैरव।